बर्तन में तावा छूट गया, ए तावा छूट गया हम लोग का। अब तावा छूट गया तो आप देखिएगा कि आज ये लोग कढ़ाई में रोटी को बनाएगा। हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा शुरू होता है यहाँ से और शाम के 5 बज रहा है अभी, तो निकले थे वहाँ से लोड करके। अभी रांची बाईपास में है तो ये सब नया नया मॉडल में गाड़ी में यही सब यूरिया वगैरह लगता है तो डालना ज़रूरी पड़ता है। यूरिया बहुत ज़रूरी है। ये यूरिया का टंकी है और यही अभी रांची बाईपास में है तो इसको डालेंगे अभी, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी देखते हैं डालने में कितना टाइम लगता है। ये सब वो टाटा गाड़ी में पुराना मॉडल था तो उसमें नहीं था, ये नया में टाटा में भी दिया है, इसमें भी दिया है, दोनों ही में दिया है, टाटा में भी है इसमें भी है। नया मॉडल में इसमें क्या है ना कि आपको ये साइलेंसर क्लियर रहता है कि धुआं नहीं देगा, डीजल कम खाएगा, धुआं नहीं देगा, ये सब के लिए सब होता है। तो उसी के लिए यूरिया डाला जाता है कि साइलेंसर, देखिएगा आपको साइलेंसर इधर नहीं दिखाई देगा कहीं भी, इधर साइलेंसर नहीं है कहीं भी। कोई लोग बोलता है कि साइलेंसर है ही नहीं गाड़ी में, नहीं है ऐसा बात नहीं है, आगे में रहता है छोटा सा। तो यूरिया का मतलब है कि धुआं नहीं देगा गाड़ी, इसमें आपको प्रदूषण वाला कागज़ भी नहीं लगेगा। जो यूरिया का गाड़ी है उसमें प्रदूषण गाड़ी कागज़ नहीं बनता है उसमें, यही सब है नया नया सिस्टम में। इधर पहुँचना भी चाहिए रहे। ये चला गया, ये देखिए यूरिया डालने का तरीका। अब ये अभी जा रहा है इसके अंदर, ये डब्बा पूरा खाली होगा, 20 लीटर का है ये, 1500 का आता है तो अब इसको एक्स्ट्रा खर्चा तो क्या बोला जाए, नया गाड़ी सब में है ये सब खर्चा। और बार बार सिंगल देता है ना यूरिया, जब ख़त्म होता है तो उस पर सिंगल देता है कि तुम्हारा ख़त्म हो रहा है, अब डालना है करके, तो वही सब सिंगल देख करके आदमी चलाना पड़ता है। ऐसे तो इसमें पता चलेगा नहीं कितना है कितना नहीं, सिंगल देखते हैं हम लोग वहाँ मीटर में तब चलता है। ये देखिए यूरिया पूरा डला गया, डब्बा खाली हो गया मेरा। अब ये टंकी का लॉक, सब में थोड़ा अलग अलग सिस्टम दिया है, टंकी का लॉक भी लगाना थोड़ा परेशानी है। यूरिया और सब डला गया दोस्तों, अब निकलना है यहाँ से, अब आगे पंप में डीजल लेना है। इनका अलग जगह खाता चलता है, इसको लगा के देखो तो, इनका अलग जगह अलग पंप में चलता है खाता, तो वहीं जाएंगे हम लोग अभी। अब डीजल फुल करेंगे, एक टंकी में एक बाल्टी लगता है, एक टंकी डीजल में एक बाल्टी लगता है, अब फिर जाके रायपुर में तो डलेगा। दोस्तों रांची से चल के अभी यहाँ रुके हैं पंप में, तो आज हम लोग का नाइट होल्ड यहीं पे होगा, इसी पंप में इनका चलता है कंपनी का खाता, तो यहाँ लेना पड़ेगा तेल हम लोग को, तो यहीं रुकना पड़ेगा हम लोग को। तो उस गाड़ी में तो वहाँ पंप था तो इस गाड़ी का यहाँ है, सबका अपना अपना मालिक का सेटिंग रहता है, जहाँ जिसका सेटिंग है वहीं से चल लेना पड़ता तेल, तो इस मालिक का यहाँ सेटिंग है तो यहीं तेल लेना पड़ेगा हम लोग को। तो इसी लेकर अभी यहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोग खाना पीना बन रहा है, तो खाना पीना में तो बनाएगा लड़का अभी खाना। और समस्या ये है कि बर्तन में तावा छूट गया, ए तावा छूट गया हम लोग का। अब तावा छूट गया तो आप देखिएगा कि आज ये लोग कढ़ाई में रोटी को बनाएगा, क्योंकि मजबूरी है, अब तावा ले लेंगे कहीं कल, ले लेंगे कल, कढ़ाई में आज रोटी लोग बनाएगा, देखिएगा कैसे बनता है, कढ़ाई में रोटी बनेगा आज। आज खाने में तड़का बन रहा है अभी, तो रात में तो वही बनता ही है। ठीक है दोस्तों, अब खाना बनाना चालू कर रहे हैं, अब देखते हैं, तावा तो है नहीं तो कढ़ाई में ही जुगाड़ उगाड़ करके किस तरह बनाना पड़ेगा रोटी आज। दोस्तों अभी दाल चढ़ाए हैं, प्याज व्याज काटे हैं, यहाँ एक जगह का नाम है नगड़ी, नगड़ी पंप में खड़ा है HP पंप, तो यहाँ खाना वाना बना के चलेंगे रात को, फिर आगे चलेंगे तो देखेंगे कहाँ आप चलेंगे। दोस्तों देखिए मेरा रोटी बनने चालू हो गया है, उधर कढ़ाई मेरा गरम हो रहा है,
अभी काहे कि तड़का अभी काहे नहीं बनाए, तड़का बनाते तो सब लग जाता उसी में, खराब लटा जाता तो धोना पड़ता दोबारा। हाँ बोले पहले रोटी बन जाए फिर उसके बाद तड़का बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी रोटी हम लोग देखिए कैसे कढ़ाई में बनाते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है दोस्तों, ठीक अभी बना के ट्राई किए थे, देखिए सही बना है। अब आपको दिखाते हैं कैसे बन रहा है। एक हाथ में फ़ोन है तो थोड़ा दिक्कत होगा। बस इसको डाल देना है, जैसे तावा में गर्म होता है बस वैसे ही सिंपल ही हो रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो आज ऐसे ही हमारा रोटी बनेगा कढ़ाई में। इधर रोहित बेल रहा है रोटी और मेरा काम है सेकने का, जैसा कि हर बार रहता है। रोहित ही रोटी बेलता है, सीखने का काम मेरा रहता है। प्याज व्याज जितना जितना कटिंग ये सब होता है, ये सब कुछ मेरा काम रहता है, बाकी बनाना इधर इधर। अभी एक हाथ में कैमरा नहीं तो इधर पकड़ना पड़ता है, तब सही होता है, हिल रहा है ना थोड़ा। पहली बार दोस्तों रोटी कढ़ाई में बना रहे तो रोटी फूल नहीं पा रहा है, पर जैसा भी है बनाएंगे, देखते हैं जैसा भी बने। दोस्तों हम लोग का तो अभी रोटी बन गया है, अभी हम तेजपत्ता डाल रहे हैं। ये तेजपत्ता डाल दिए, ये हो गया गरम। इसके बाद आदि डाला जाता है, इसका साथ आदि डाला जाता है, मतलब उसको उबाल के रखे हैं, अभी इसको भूनेंगे उसके बाद उसको डालेंगे। तो आज हम लोग का बस टमाटर नहीं है तो आज सिंपल बनेगा, तो आज सिंपल खाना दिखाते हैं आपको, तड़का बनाते हैं। ये है लाल मिर्च, कश्मीर मिर्च है, और ये है सब्जी मसाला। तो एक थोड़ा मेरा अभी लहसुन लाल हो जाएगा, उसके बाद दोनों प्याज और मिर्चा डालेंगे। तो ये लाल हो गया, इसको आप डाल दिए, तो इसको डालने के बाद थोड़ा इसको भूनेंगे। इसको भूनने के बाद प्याज भुंजा गया है, अब तड़का डालने जा रहे हैं। अभी तो अभी तड़का डाले हैं, अभी थोड़ा इसको चलाएंगे, इसको थोड़ा इसको पानी डालेंगे, उसके बाद दोनों मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद आधा घंटा ढक देंगे, आधा घंटा ढकने के बाद उसके बाद उतारेंगे इसको। तो ये है सब्जी मसाला, तो इसको थोड़ा सा डाला जाता है, थोड़ा सा डाला जाता है। उसके बाद कश्मीर मिर्च, ये कश्मीर मिर्च जो है इसमें अपना मीडियम से डाल दिया जाता है। उसके बाद एक थोड़ा डबक जाएगा इसको भी चला के, उसके बाद एक थोड़ा मिल जाएगा, उसके बाद इसको ढक देना है। तो अभी चला दिए, देखिए दोस्तों मेरा तड़का बन गया है। अब हम इसको बंद करते हैं गैस को, उसके बाद इसको उतारते हैं। उतारने के बाद यहाँ रखते हैं, ढक दिए। अब चलिए दोस्तों हम लोग अब खाने चले, खाने का वीडियो अभी दिखाते हैं। तो हमारा खाना बन चुका दोस्तों, ये रोटी तड़का बनाया आज। तो आप लोग तो देखेंगे कि आज तावा था नहीं, किसी तरह कढ़ाई में ही किया है एडजस्ट। तो क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। असल में वो गाड़ी में तावा छूट गया है, इसीलिए करके नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है, कल ले लेंगे हम लोग कहीं ना कहीं।
तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तड़का रोटी बन चुका है, कल सुबह निकलेंगे यहाँ से पंप से। तड़का बहुत अच्छा बनता है, बहुत सा दाल मिक्स है। दोस्तों खाना पीना खा के आज रात में यही हम लोग सोएंगे। ऐसे बारिश भी बहुत हुआ था आज शाम में, तो यही सोएंगे खाना वाना खा करके। सुबह निकलेंगे फिर यहाँ से, सुबह जाएंगे अपना सफ़र काटेंगे। फिर जाना भी बहुत लंबा है, कर्नाटक का माल है, जाएंगे कर्नाटक का माल है अभी हम लोग का, तो नागपुर वगैरह होते हुए जाएंगे। नागपुर, नांदेड़, यवतमाल जैसे होते हुए जाएंगे, दिखाएंगे कहाँ कहाँ से कैसे जा रहे हैं, बताएंगे फिर दोस्तों। दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता था कि आप लोग तीन लोग कैसे सोते हैं गाड़ी में, तो पहले तो हम लोग ऐसे पर्दा लगाते हैं क्योंकि आगे का लाइट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे पापा सोते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ बगल में जो जगह है ये यहाँ पे हम सोते हैं, और ये रोहित का सोने का जगह है। अभी तो ऐसा बारिश हो रहा है, नहीं तो हम ऊपर ही सोते हैं। हम और रोहित कभी कभी ऊपर सो जाते हैं, पर अभी बारिश हो रहा है तो अंदर ही सोना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा सोना होता है यहाँ पर। यहाँ पे भी जगह है इधर, तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे हम लेट जाते हैं। तो बहुत सारा कमेंट आता था कि आप लोग बताइए कैसे सोते हैं, तो यही हमारा ऐसे ही सोना होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं सुबह सुबह, आप ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा रात भर यहाँ रुके थे पंप में, तो अभी सुबह हो चुका है, तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से, जा रहे वही अपना जो पुराना पंप है। थोड़ा दोस्ती आ रही है, अच्छा वहाँ मेल उल हो गया है, और वहाँ नहाने वहाने का सुविधा भी अच्छा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमको अच्छा, जहाँ बाथरूम है वही नहाने का है, तो कैसे करेगा आदमी कि नहाते नहाते किसी को बाथरूम आ जाए तो क्या करेगा। इसी लेके हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, वहीं पर बहुत अच्छा जगह है, अपना दोस्ती आ रही बना हुआ है, वहीं रुकने का आदत है अपना। एक पुराना कंपनी का भी ड्राइवर वहीं रुका हुआ है, तो मिलते हैं उनसे भी जाके, वो भी वहीं पर है। तो निकलते हैं दोस्तों, गाड़ी चलाने में बहुत आराम जैसा लग रहा है, मतलब जैसे लोग मारुति चलाता है उस टाइप का। और ये सब गाड़ी है भी उसका, अभी नया नया है, तो आप ही लोग जानते हैं कि नया का मज़ा कुछ और है, पुराना का। वो भी गाड़ी मेरा ख़राब नहीं था, लेकिन क्या बताया, थोड़ा सा पुराना हो गया था, काम वाम ज़्यादा निकल रहा था। अब वो कहाँ, 7 साल का गाड़ी, और ये अभी 2-3 महीना गाड़ी, फर्क तो रहता ही है। इसमें भी हर चीज़ अच्छा है, यही अगर टाटा भी नया रहता तो वो भी अच्छा रहता। तो ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता है, टाटा हो या लीलन, ड्राइवर ड्राइवर होता है। पहले था लीलन, अभी आप लोग जितना देख रहे हैं लीलन गाड़ी मार्केट में, आज से कम 20 साल पहले नहीं था, क्योंकि लीलन का फंक्शन बहुत तगड़ा था, उसका हार्ड क्लच, हार्ड ब्रेक, आदमी लीलन को देख के ही डर जाता था, ड्राइवर जल्दी तैयार नहीं होता था लीलन चलाने के लिए। अभी लीलन को इतना नॉर्मल कर दिया है टाटा के जैसा, कि अब कोई भी ड्राइवर नहीं हिचकिचाता है कि हाँ लीलन हो या टाटा, उसको कोई मतलब नहीं, सब लगभग सेम कर दिया है। तो हमको याद है, हम छोटा थे तो लीलन गाड़ी देखते थे, एक ड्राइवर मालिक आया था लीलन गाड़ी पूछने के लिए कि भाई लीलन का ड्राइवर है क्या। एक ड्राइवर बोलता है भैया लीलन है, तो ना हमसे नहीं होगा, पता नहीं लीलन में क्या था ऐसा उस समय, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है।
सब अभी सेम हो गया है, इसीलिए का आज मार्केट में लीलन भी आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। अब ड्राइवर भी मिल जा रहा है, पहले ड्राइवर नहीं मिलता था। आज देखिए सब टाटा का ड्राइवर का ही मिल जाता जल्दी कि उस लोग को लगता है टाटा गाड़ी, लीलन जो है उसका नहीं मिलता था, मिल रहा है, नॉर्मल हो गया, टाटा ही जैसा हो गया, सब टाटा ही जैसा नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसी टाइप का हाई स्टीयरिंग में बैठे हुए हैं, गियर मार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गुमला पंप पहुंचते हैं, वहीं पर फिर जाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं, नहाना धोना भी होगा। दोस्तों अभी तो यहां तक पहुंचे हम लोग, बेड़ो पार कर गए हैं, अभी सिसई आएगा, भरनो आएगा, गुमला आएगा, पहले भरनो आएगा फिर सिसई आएगा, फिर अपना गुमला वही पंप आएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच के वो नहाएंगे वहाएँगे तो आपको अगला ब्लॉग में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।